नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि मॉडल फाइबर क्या होता है और मॉडल फाइबर का प्रोडक्शन कैसे होता है, मॉडल फाइबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और जो मॉडल फाइबर होता है वो हमारे ऑर्डिनरी विस्कोस फाइबर से किस तरीके से डिफर करता है। तो इन सब टॉपिक्स के ऊपर हम आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके पहले कि मैं आपसे डिस्कशन शुरू करूं, मैं आपसे कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, इससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको सारा टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आएगा और वीडियो इंटरेस्टिंग भी लगेगा। दोस्तों, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, आज के डिस्कशन का टॉपिक है मॉडल फाइबर, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल फाइबर। दोस्तों, मतलब मॉडल फाइबर क्या होता है, उसका प्रोडक्शन मेथड क्या है और मॉडल फाइबर की प्रॉपर्टीज क्या है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल फाइबर। तो बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है मैंने आपको, मैं बता देता हूँ कुछ लाइन्स हैं। मॉडल इज ए रीजनरेटेड फाइबर, मॉडल एक रीजनरेटेड फाइबर होता है। इट इज ए नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रेयन फाइबर, ये जो मॉडल फाइबर होता है तो वो रेयन फाइबर की नेक्स्ट जनरेशन होती है। दिस फाइबर इज मेड यूजिंग वुडन चिप ऑफ बीच ट्री, यूरोपियन स्नाइडर जेलकोवा ट्री। दोस्तों, ये जो मॉडल फाइबर होता है वो बीच ट्री की वुडन चिप से बनता है। इट इज ए हाई बेड मॉडुलस फाइबर, ये जो हमारा मॉडल फाइबर होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो स्ट्रेंथ होती है वो बेड कंडीशन में भी काफ़ी अच्छी होती है, जबकि जो हमारा ऑर्डिनरी विस्कोस होता है उसकी स्ट्रेंथ बेड स्टेज में कम हो जाती है। और दोस्तों, ये जो बनाने की प्रोसेस होती है मॉडिफाइड विस्कोस प्रोसेस होती है, और उसके अंदर जो पॉलीमराइजेशन होता है वो ऑर्डिनरी विस्कोस से ज़्यादा होता है। द मॉडल फाइबर हैव इम्प्रूव्ड बेड स्ट्रेंथ ओवर स्टैंडर्ड विस्कोस फाइबर्स। दोस्तों, जो मॉडल फाइबर होता है, मैंने आपको बताया जैसे कि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है जो तो विस्कोस से ज़्यादा होती है दोनों ही कंडीशन में, वेट स्टेज में भी और ड्राई स्टेज में भी। इट हैज एब्रेशन रेजिस्टेंट, ये एब्रेशन रेजिस्टेंट भी होता है, बट इसका जो सॉफ्ट होता है और फील होता है वो प्रभावित नहीं होता है। इट आल्सो हैज गुड ड्रेपिंग प्रॉपर्टीज, मॉडल फाइबर की जो ड्रेपिंग प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी अच्छी होती हैं, मतलब कपड़ा अच्छी तरीके से ड्रेप करता है। दिस प्रोसेस लीड्स टू इम्प्रूव फाइबर प्रॉपर्टीज सच एज बेटर वियर, हायर ड्राई एंड वेट स्ट्रेंथ एंड बेटर डायमेंशनल स्टेबिलिटी। तो दोस्तों, ये जो फाइबर है मॉडल फाइबर, तो इसमें आपकी जो बेट स्ट्रेंथ और ड्राई स्ट्रेंथ तो अच्छी होती ही है, उसके साथ में जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी होती है वो भी अच्छी होती है। द मॉडल फाइबर कंटेंस मॉडिफाइड सेलुलोज ऑब्टेन फ्रॉम वीच ट्री, मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जो मॉडल फाइबर होता है वो एक सेलुलोज फाइबर है और वो सेलुलोज वीच ट्री से प्राप्त किया जाता है। अब दोस्तों, शॉर्ट में मैंने आपको हिस्ट्री बताई है कि कब मॉडल फाइबर का डेवलपमेंट हुआ, कब उसमें चेंजेस किए गए, किस किस रूप में चेंज हुए। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ मॉडल फाइबर। ईयर 1938 में मॉडल फाइबर डेवलप किया गया, कंपनी कौन सी थी, वो थी जेलवोल लेंजिंग एजी, और मार्केट में कब लॉन्च किया गया, 1965 में, और आपका ईयर 1976 में मॉडल फाइबर से हाई फ्लेम रिटार्डेंट मॉडल फाइबर डेवलप किया गया। ईयर 1997 में कंपनी डेवलप्ड एनवायरनमेंट फ्रेंडली पल्प ब्लीचिंग मेथड, कंपनी ने एक इस तरीके का ब्लीचिंग मेथड डेवलप किया जो कि आपके एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। और ईयर 1985 में कंपनी लॉन्च्ड माइक्रो मॉडल फाइबर, मतलब कंपनी ने 1985 में माइक्रो मॉडल फाइबर लॉन्च किया मार्केट में। अब दोस्तों देखिए, प्रोडक्शन ऑफ मॉडल फाइबर, मतलब मॉडल फाइबर का जो प्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। मॉडल फाइबर इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग विस्कोस प्रोसेस। दोस्तों, जो मॉडल फाइबर का प्रोडक्शन होता है उसके अंदर जो विस्कोस प्रोसेस होती है वो अडॉप्ट की जाती है। वुडन चिप्स ऑफ बीच ट्री आर क्रश्ड एंड
प्योर सेलुलोज इज ऑब्टेंड बाय प्रोसेसिंग देम। हम क्या करते हैं कि जो वीट ट्री होता है उससे उड़न चिप्स लेते हैं, उनको क्रश करते हैं, क्रश करने के बाद में उनसे हम प्योर सेलुलोज निकालते हैं। द होल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप्स। जो हमारी प्रोडक्शन की सारी प्रोसेस होती है वो नीचे दिए गए स्टेप्स में पूरी होती है। देखिए दोस्तों, द सोर्स ऑफ सेलुलोज, तो उड़न चिप्स ऑफ वीट ट्री आर टेकन। हम क्या करते हैं कि वीट ट्री की उड़न चिप्स लेते हैं। दीज चिप्स कंटेंस सेलुलोज, और ये जो चिप्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है, एंड अदर सब्सटेंस लाइक लिंगेन, हेमीसेलुलोज, बैक्स एंड फैट। और इन वीट ट्री की चिप्स के अंदर क्या होता है कि सेलुलोज के अलावा लिंगिन भी होती है, हेमीसेलुलोज भी होता है, बैक्स भी होता है, और थोड़ा बहुत फैट भी होता है। दीज उडन चिप्स गेट प्रोसेस्ड टू रिमूव इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इट। अब दोस्तों, ये जो उडन चिप्स होती हैं इनको हम प्रोसेस करते हैं जिससे कि उसके अंदर सेलुलोज के अलावा जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो एलिमिनेट हो जाएं। दस प्योर सेलुलोज इज ऑब्टेंड। इस तरीके से हमें एक प्योर सेलुलोज प्राप्त हो जाता है। दिस सेलुलोज इज यूज टू मैन्युफैक्चर मोडल फाइबर। ये जो प्योर सेलुलोज उड़न चिप्स से प्राप्त हो रहा है बीज की ट्री से, तो उनसे हमें प्योर सेलुलोज प्राप्त हो जाता है। इसका हम प्रयोग करते हैं आपका मॉडल फाइबर को बनाने के लिए। अब देखिए दोस्तों, फॉर्मुलेशन ऑफ अल्कली सेलुलोज। अब हमें क्या मिला, जो सेलुलोज था वो हमें मिल गया है प्योर सेलुलोज बीज ट्री का उड़न चिप्स से। तो अब दोस्तों देखिए यहाँ पर, द सेलुलोज ऑब्टेंड फ्रॉम बीज ट्री इज डिजॉल्व इन कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। मतलब जो हमें प्योर सेलुलोज प्राप्त हुआ है बीज ट्री से, उसको हम कास्टिक सोडा सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं। द अल्कली सेलुलोज रिजल्ट आफ्टर दिस प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस है, तो ये जब पूरी होती है तो हमें एक अल्कली सेलुलोज प्राप्त होता है। द रिएक्शन फॉलोज बिलो केमिकल इक्वेशन। दोस्तों ये रिएक्शन कैसे होती है देखिए यहाँ पे, ये है आपका C6H10O5N मॉलिक्यूल्स हैं। दोस्तों ये देखिए, ये है आपका सेलुलोज है। अब सेलुलोज में हमने क्या ऐड किया, यहाँ पे मिलाया सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, मतलब कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन मिलाया। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो दोस्तों रिएक्ट करने के बाद में आपका ये जो बनता है अल्कली सेलुलोज मिलता है। यहाँ देखिए C6H9O4ONA, इसके जो मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। यहाँ पे देखिए अल्कली सेलुलोज बन गया आपका। इसके बाद में इससे वाटर भी एलिमिनेट होता है, NH2O। अब ये आपका बन गया अल्कली सेलुलोज। इसके बाद देखिए दोस्तों, रिमूवल ऑफ एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब दोस्तों जो हमने सेलुलोज को जो ट्रीट किया कास्टिक सोडा से, तो हमें अल्कली सेलुलोज प्राप्त हुआ। अब उसमें हमें आवश्यकता होती है कि उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है यदि, तो उसको हम निकालते हैं। द अल्कली सेलुलोज सॉल्यूशन गेट फास्ट बिटवीन मैकेनिकल रोलर्स। हम क्या करते हैं कि जो हमें अल्कली सेलुलोज प्राप्त हुआ है उसको हम मैकेनिकली ट्रीट करते हैं, मतलब जो प्रेशर रोलर होते हैं उनके बीच से निकालते हैं। दीज रोलर्स अप्लाई हाई प्रेशर ऑन टू द अल्कली सेलुलोज। तो जब हम दो रोलरों के बीच से निकालते हैं तो क्या होता है, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। जो हमारा अल्कली सॉल्यूशन है, जब प्रेशर पड़ता है, द एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड गेट रिमूव्ड इन दिस प्रोसेस। तो इस तरीके से जो हमारे अल्कली सेलुलोज में जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो एलिमिनेट हो जाता है। ए शीट ऑफ अल्कली सेलुलोज रिजल्ट आफ्टर प्रेसिंग। दोस्तों प्रेस करने के बाद में हमें एक अल्कली सेलुलोज की कंटिन्यूस शीट प्राप्त होती है। अब देखिए दोस्तों, श्रेडिंग ऑफ प्रेस्ड शीट। अब दोस्तों क्या होता है कि हमें शीट मिली है, तो हम इस शीट का क्या करते हैं, द प्रेस्ड शीट आर क्रम्बल्ड और श्रेडेड टू प्रोड्यूस व्हाट इज नोन एज व्हाइट क्रम। दोस्तों ये जो शीट मिलती है तो इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रम। द प्रेस्ड शीट ऑफ अल्कली सेलुलोज इज मैकेनिकली श्रेडेड टू इंक्रीज सरफेस एरिया।
दोस्तों पहले तो इसको हम क्या करते हैं कि मैकेनिकली रोलर से पास करते हैं तो हमारी सीट होती है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब सरफेस एरिया बढ़ने से फिर क्या होता है, उसको जो पीस बनाने में आसानी होती है। इट इज ईजी टू प्रोसेस द क्रम्स। दोस्तों ये जो क्रम्स बनाने के लिए जो सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो उससे हमें आसानी हो जाती है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप देखिए, एजिंग ऑफ वाइट क्रम्स। अब जो हमें वाइट क्रम्स मिले हैं तो उनकी एजिंग की जाती है। द वाइट क्रम्स आर ऑक्सीडाइज्ड हियर। जो वाइट क्रम्स मिलते हैं हमें अल्कली सेलुलोज के, उनको हम ऑक्सीडाइज करते हैं। द ऑक्सीजन ऑफ एम्बियंट एयर इज अलाउड टू मेकिंग कॉन्टैक्ट विद वाइट क्रम्स। दोस्तों क्या करते हैं कि हम इस वाइट क्रम्स के ऊपर जो एयर होती है हमारी उसको अलाउ करते हैं पास होने के लिए। द सेलुलोज इज पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड एंड इज डिग्रेडेड। तो दोस्तों जो हमारा सेलुलोज होता है वो आंशिक रूप से ऑक्सीडाइज हो जाता है और डिग्रेडेड भी होता है। द मॉलिकुलर वेट गेट लोअर्ड। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे अल्कली सेलुलोज का जो मॉलिकुलर वेट होता है वो भी कम हो जाता है। दिस डिग्रेडेशन इज कंट्रोल्ड केयरफुली टू प्रोड्यूस सफिशियंट शॉर्ट लेंथ ऑफ चेन टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड विस्कोसिटीज इन द स्पिनिंग सॉल्यूशन। दोस्तों ये जो हम डिग्रेडेशन की प्रोसेस करते हैं वो बहुत कंट्रोल रिएक्शन होता है जिससे कि हमें शॉर्ट लेंथ ऑफ चेन प्राप्त हो सके और वो शॉर्ट लेंथ ऑफ चेन स्पिनिंग में मदद करती है। चेन लेंथ शुड बी स्टिल लॉन्ग एनफ टू प्रोवाइड गुड फिजिकल प्रॉपर्टीज टू द फाइबर। दोस्तों जो चेन की लेंथ है वो एनफ लॉन्ग होना चाहिए जिससे कि हमारे जो फाइबर है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक टेंसाइल स्ट्रेंथ एलोंगेशन वगैरह प्रभावित ना हो। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप होता है जेनसेशन ऑफ एज्ड अल्कली सेलुलोज सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या होता है, द कार्बन डाइसल्फाइड गैस इज अप्लाइड टू एज्ड मिक्सचर ऑफ अल्कली सेलुलोज। दोस्तों अब हम अल्कली सेलुलोज के ऊपर कार्बन डाइसल्फाइड छोड़ते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जेनसेशन। इस प्रोसेस को हम जेनसेशन कहते हैं। द एज्ड अल्कली सेलुलोज क्रम्स आर प्लेस्ड इन वेट्स एंड आर अलाउड टू रिएक्ट विद कार्बन डाइसल्फाइड एट टेम्परेचर ऑफ 20-30 degrees। दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो हमारे क्रम्स होते हैं अल्कली सेलुलोज के उनको हम बेड्स के अंदर रखते हैं और कार्बन डाइसल्फाइड को अलाउ करते हैं इससे संपर्क में आने के लिए और टेम्परेचर हम 20-30 degrees रखते हैं। द सेलुलोज जेनसेट रिजल्ट्स आफ्टर दिस रिएक्शन। दोस्तों जब कार्बन डाइसल्फाइड अल्कली सेलुलोज से रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, सेलुलोज जेनसेट प्राप्त होता है। दिस कंपाउंड जेल इज रेफर्ड एज एलोक्रम। अब दोस्तों ये जो हमें कंपाउंड जेल मिलता है सेलुलोज जेनसेट का तो वो एलोक्रम के नाम से जाना जाता है। द रिएक्शन फॉलोज बिलो केमिकल इक्वेशन। दोस्तों देखिए आपकी जो जेनसेशन की प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से होती है, यहाँ पे देखिए ये है आपका एज्ड अल्कली सेलुलोज है C6H9O4ON, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या ऐड किया, ये कार्बन डाइसल्फाइड है CH2। अब यहाँ पे जो आपको आउटकम निकल के आता है वो होता है आपका C6H9O4OSCSNA, ये होता है आपका सेलुलोज जेनसेट। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी जो प्रोसेस होती है जेनसेशन की वो होती है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि पूरी रिएक्शन के दौरान जो हम टेम्परेचर रखते हैं वो 20-30 degrees तक रखते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रोसेस होता है इसका फॉर्मेशन ऑफ विस्कोस सॉल्यूशन। अब जो हमें एलोक्रम्स मिल गए तो उससे हम क्या करते हैं कि विस्कस सॉल्यूशन तैयार करते हैं। द एलोक्रम्स इज डिजॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो एलोक्रम्स होते हैं इनको फिर से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं। विस्कस सॉल्यूशन ऑफ एलो
क्रम रिजल्ट्स। तो जब हम घोलते हैं इनको तो विस्कस सॉल्यूशन प्राप्त होता है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि राइपनिंग ऑफ विस्कोस सॉल्यूशन, मतलब ये जो विस्कोस सॉल्यूशन हमें मिला है तो उसको हम राइपनिंग करते हैं। द विस्कोस सॉल्यूशन इज अलाउड टू राइपन। अब हम उसको राइपनिंग होने के लिए अलाउ करते हैं। इन दिस प्रोसेस द विस्कोस सॉल्यूशन इज सेट टू स्टैंड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको हम क्या करते हैं, कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं एक डेफिनेट टाइम के लिए। केमिकल रिएक्शन गोज लाइक फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो दोस्तों एक केमिकल रिएक्शन होती है, वो देखिए मैंने दिखाई हुई है आपको। ये देखिए आपका सेलुलोज जेनरेट है और इसमें वाटर है। तो जब हमने इसमें वाटर ऐड किया तो क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर C6H10O5N, ये सेलुलोज हो गया और ये हो गया NCH2, ये हो गया आपका कार्बन डाइसल्फाइड प्लस NaOH। तो यहाँ पे आपका ये राइपनिंग हो जाती है आपके विस्कस सॉल्यूशन है उसकी। यहाँ पे देखिए फिल्ट्रेशन ऑफ विस्कस सॉल्यूशन। अब दोस्तों जो हमारा सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है, विस्कस सॉल्यूशन प्राप्त होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। तो फिल्टर करने से क्या होता है, यदि उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज है या बाहर से कुछ मिल गया है तो सारा का सारा एक्सट्रैक्ट हो जाता है फिल्टर के थ्रू। रिमूवल ऑफ एयर बबल्स। अब हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे जो विस्कस सॉल्यूशन है उसके अंदर कोई एयर बबल तो नहीं है। अगर एयर बबल होगा तो जब आप स्पिनिंग करोगे स्पिन रेट के थ्रू तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हम विस्कस सॉल्यूशन से जो एयर बबल प्रेजेंट होते हैं उनको निकाल देते हैं। अब होता है दोस्तों एक्सट्रूडिंग और वेट स्पिनिंग। अब दोस्तों फाइनली क्या है, क्या हमें अपने विस्कस सॉल्यूशन से फाइबर बनाने हैं मॉडल के। तो दोस्तों कैसे बनाते हैं, द विस्कस सॉल्यूशन इज एक्सट्रूडेड थ्रू ए स्पिन रेट। मतलब जो विस्कस सॉल्यूशन होता है उसको हम स्पिन रेट से पास करते हैं, विच रिसेंबल्स ए शावर हेड विद मैनी स्मॉल होल्स। दोस्तों स्पिन रेट के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे होल होते हैं। एज द विस्कस सॉल्यूशन कम्स आउट फ्रॉम स्पिन रेट, जैसे ही हमारा विस्कस सॉल्यूशन स्पिन रेट से बाहर आता है, इट पासिस थ्रू ए बाथ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो विस्कस सॉल्यूशन के जो फाइबर बाहर की तरफ आ रहे हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के बाद में पास होते हैं। द फाइन फिलामेंट ऑफ मॉडल फाइबर रिजल्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। दोस्तों इस प्रोसेस के बाद हमें मॉडल फाइबर के फाइन फाइबर प्राप्त हो जाते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में क्या होता है, ड्रॉइंग ऑफ द फिलामेंट। तो क्या होता है दोस्तों, द फिलामेंट्स ऑब्टेंड आफ्टर एक्सट्रूडिंग आर कोर्स। अब जो हमें फिलामेंट मिलते हैं स्पिन रेट से वो कोर्स होते हैं, दे आर पास्ड थ्रू ड्रॉइंग रोलर्स रनिंग एट वेरियस स्पीड्स। अब दोस्तों जो कोर्स जो मॉडल फाइबर में मिल रहे हैं उनको हम ड्रॉइंग रोलर से पास करते हैं। द फिलामेंट्स आर स्ट्रेच्ड टिल रिक्वायर्ड फाइननेस इज अचीव्ड। दोस्तों जो हमें फिलामेंट मिलते हैं मोटे, उनको हम जितनी भी आवश्यकता होती है कि कितना फाइन करना हमें, उसी के हिसाब से हम उसकी स्ट्रेचिंग करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ड्रॉइंग। इस प्रोसेस को हम ड्रॉइंग कहते हैं। द फाइबर्स आर देन वॉश्ड टू रिमूव एनी रेजिडुअल केमिकल प्रेजेंट इन इट। अब दोस्तों फाइनली जो फाइबर ड्रॉइंग के बाद में निकलता है उसको हम वॉश भी करते जाते हैं, और उससे क्या होता है कि यदि उसके अंदर कोई केमिकल का रेजिड्यू बचा है तो वो भी फाइनली निकल जाए। दीज फिलामेंट्स आर बाउंड ऑन टू बॉबिन। अब जो फाइनली जो फाइबर मिल रहे हैं उनको हम बॉबिन पर बाइंड करते हैं। व्हेन स्टेपल फाइबर आर रिक्वायर्ड द फिलामेंट कट डाउन इनटू पीसेज। यदि हमें स्टेपल फाइबर की जरूरत होती है तो जो हमें फिलामेंट होते हैं उनको हम कट भी करते हैं। अब दोस्तों देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल फाइबर, मतलब मॉडल फाइबर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल फाइबर दिखाए हुए हैं। यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.53 ग्राम्स पर सीसी, टेनसिटी देखिए 2.2 टू 4.0 ग्राम्स पर डेनियर ड्राई स्टेज में है, ये 3.8 टू 5.0 ग्राम्स पर डेनियर वेट स्टेज में है, मॉइस्चर रिगेन 11.8% है, एलोंगेशन एट ब्रेक 7.0% ड्राई स्टेज में है, 8.5% वेट स्टेज में है, डाइंग एफिनिटी कंफर्टेबल टू रिएक्टिव वेट सल्फर एंड डायरेक्ट डाइज। दोस्तों ये जो हमारा मॉडल फाइबर होता है
तो मॉडल फाइबर रिएक्टिव डाइज में भी डाई हो जाता है, वेट डाइज में हो जाता है, सल्फर में भी हो जाता है और डायरेक्ट डाइज में भी हो जाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ देखिए दोस्तों, मोर देन ऑर्डिनरी विस्कोस, मतलब जो ऑर्डिनरी विस्कोस होता है उससे इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। हैंडल सॉफ्ट होता है, ड्रैप कॉन्स्टेंट अच्छा होता है, एब्जॉर्बेंसी एक्सट्रीमली गुड, मतलब बहुत अच्छी है, डायमेंशनल स्टेबिलिटी अच्छी होती है, फिलिंग इम्प्रूव्ड रेजिस्टेंस टू फिलिंग, दोस्तों इसका जो फिलिंग रेजिस्टेंस होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, विस्कोज रेयन से अच्छा हो जाता है, एयर परमेबिलिटी इट शोज इम्प्रूव्ड एयर परमेबिलिटी, और जो मॉडल फाइबर से बने हुए कपड़े होते हैं उनकी एयर परमेबिलिटी भी सुधर जाती है। अब दोस्तों यूजेज देखिए क्या होते हैं, मॉडल फाइबर्स इज यूज टू गेट कम्फर्ट एंड एस्थेटिक्स, दोस्तों जो मॉडल फाइबर होता है उसका जो प्रयोग किया जाता है तो उससे क्या होता है कि कंफर्ट भी बढ़ जाती है और उस कपड़े की सुंदरता भी बढ़ जाती है, लस्टर सीन शाइन एंड नेचुरलिटी, दोस्तों लस्टर भी अच्छा हो जाता है, सीन हो जाती है अच्छी, शाइन भी अच्छी हो जाती है और उसकी नेचुरलिटी भी अच्छी दिखाई देने लगती है। मॉडल फाइबर इज यूज टू मेक फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, दोस्तों मॉडल फाइबर से हम नीचे दिए गए प्रोडक्ट बहुत अधिक मात्रा में बनाते हैं, टी शर्ट बनाते हैं, सॉक्स बनाते हैं, स्पोर्ट वियर बनाते हैं, बेड शीट्स बनाते हैं, अंडरवियर बनाते हैं, टॉवल्स एंड बाथ रोब्स भी बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको मॉडल फाइबर के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, दोस्तों आपको यदि कहीं पर भी कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। दोस्तों देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं, और दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दें, इससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।